क्रीमी पास्ता किसे नहीं पसंद होता, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट सॉस सुपर क्रीमी पास्ता की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ईजी है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है इस पास्ता को बनाने के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्रीमी वाइट सॉस पास्ता को बनाना। पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले पास्ता को बॉईल करेंगे। तो मैंने 2 कप पास्ता लिया है, ये 250 ग्राम है, इसे पैनी पास्ता कहते हैं। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। पास्ता को उबालने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी को उबालेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इस पानी में डालेंगे 1 चम्मच नमक। इस स्टेज पर नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पास्ता में कोई फ्लेवर नहीं होता। अगर हम इसमें नमक नहीं डालेंगे तो पास्ता अंदर से बिल्कुल फीका रह जाएगा। इसको करेंगे मिक्स। जब पानी में उबाल आने लगेगा तो हम इसमें पास्ता डाल देंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल, ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पास्ता को हमें मीडियम फ्लेम पर 9 से 10 मिनट तक पकाना है। इसे बीच बीच में स्टेयर भी करते रहें ताकि चिपके नहीं। पास्ता को हमें सिर्फ 80% तक ही कुक करना है, इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है। पास्ता को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पक गया है। तो मैं अब आपको एक चेक करके दिखाती हूँ। ये अच्छे से टूट रहा है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा कच्चापन बाकी है। तो बस अब हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये 80% तक कुक हो गया है। इस पास्ता में से अब हम 2 चम्मच पानी निकाल कर अलग रख लेंगे। इसे हम वाइट सॉस में यूज़ करेंगे, ताकि सॉस में भी पास्ता का फ्लेवर आ जाए। अब हम इस पास्ता को छान लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पास्ता बिल्कुल अलग अलग बने, तो आप इसे ठंडे पानी से धो लें। तो मैंने इसे धोकर इसका सारा एक्सेस वाटर निकाल कर इसे एक बोल में रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। अब हम एक पैन को गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम पर। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या बटर भी ले सकते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, और इसे 15 से 20 सेकंड तक फ्राई करेंगे। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे प्याज, ये आधा प्याज है जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है, इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। प्याज फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, तो गाजर को भी हमें 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करना है। गाजर फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बाकी की सब्जियां। तो मैंने यहाँ रेड और ग्रीन दोनों कलर की शिमला मिर्च डाल रही हूँ, और थोड़े से कॉर्न। इन सब्जियों को 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जियां मैं डाल रही हूँ आप भी वही डालें, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें ब्रोकली, मशरूम या बीन, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो सब्जियों को फ्राई करते हुए हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, और 1/2 छोटा चम्मच ही इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसे भी मिक्स करेंगे। अब सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं, तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए हम एक पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें 4 बड़े चम्मच बटर के डालेंगे, और बटर को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मेल्ट होने देंगे। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा
तो हम इसमें 4 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा को हमें 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जब तक कि इसका कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और मैदा का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। व्हाइट सॉस बनाने के लिए बटर और मैदा का रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि जितना आप बटर ले रहे हैं उतना ही आपको मैदा लेना है। अगर आप 3 चम्मच बटर ले रहे हैं तो आपको 3 चम्मच ही मैदा लेना है। इस रेशियो से अगर आप व्हाइट सॉस बनाएंगे तो आपकी सॉस बहुत ही क्रीमी और लम्स फ्री बनेगी। तो मैदा को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, इसमें झाग होने लगे हैं, तो मैदा अब अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ हम इसे मिलाते भी रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। मैं इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ। इसे चलाते रहना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इस टाइम पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो भी कर सकते हैं। इसे चलाते रहें जब तक कि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, हमें इसे चलाते रहना है। आप इसको चलाने के लिए मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी गुठलियाँ थी वो सब ख़त्म हो गई हैं। इसका क्रीमी मिक्सचर बन गया है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है, तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मिक्स हर्ब। इस सबको अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हम सॉस की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। जब सॉस की स्पून पर कोटिंग होने लगे तो सॉस बनकर रेडी है। सॉस हमारी ना तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। तो अब हम इस टाइम पर इसमें डालेंगे सारी कुक की हुई वेजिटेबल्स और बॉईल किया हुआ पास्ता। इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इस सबको हम अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि सारी वेजिटेबल्स और पास्ता वाइट सॉस ग्रेवी में अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता का बॉइल्ड वाटर जो हमने निकाल लिया था, इसे करेंगे मिक्स और इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ग्रेटेड चीज़, इसे मिक्स करेंगे और जब चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा पास्ता बनकर तैयार हुआ है। देखने में ही कितना डिलीशियस लग रहा है। इसकी सॉस वाइट सॉस बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुई है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली हमारी सॉस बनकर तैयार हुई है। गर्मा गर्म क्रीमी वाइट सॉस पास्ता को सर्व करेंगे। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मिक्स हर्ब। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ईजी है। बस आपको इसके टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है, बिल्कुल परफेक्ट आपका क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी ट्राई करने के बाद रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।